अमर ने देखा कि पारो नारंगी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। दुपट्टा ना होने से उसके उभरे अंग दिख रहे थे। रात के 2 बजे थे। अमर अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज़ से अमर की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह आवाज़ उसके मन का भ्रम है, इसलिए वह करवट बदल कर फिर सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर ठक ठक की आवाज़ आई। लगता है कोई है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही वह थोड़ा सहम सा गया। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ, बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज़ आई। अमर ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने पारो को खड़ा देखकर वह हैरान होकर बोला, अरे तुम, क्यों, कोई अनहोनी हो गई क्या? पारो मुस्कुराते हुए बोली। अमर ने देखा कि पारो नारंगी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। दुपट्टा ना होने से उसके उभरे अंग दिख रहे थे। पारो की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर अमर को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी पारो ने कमरे के अंदर आई और अमर को अपनी बाहों में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ टिका दिए। पारो की गरम गरम सांसों के साथ उसके उभरे अंगों के छुअन से अमर को एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा था। वह पारो के आगे बेबस सा हो गया। इसके पहले कि अमर कुछ और करता, उसके मन के किसी कोने से आवाज़ आई कि यह तू क्या कर रहा है? जिस थाली में खाया है उसी में छेद कर अपने मालिक के एहसानों का एक बदला दे रहा है। लेकिन मैंने तो पहल नहीं की है, पारो खुद ही ऐसा चाहती है, तभी तो इतनी रात गए मेरे पास आई है, उसने सोचा और खुद को पारो से अलग करते हुए बोला, पारो अब तुम चली जाओ और फिर कभी मेरे करीब ना आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? पारो ने प्यासी नज़रों से अमर को देखा। अमर के दिमाग में एक एक करके पिछली बातें घूमने लगीं। अमर बीए पास होकर भी बेरोजगार था। उसने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उसने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर डॉक्टर भुवनेश की कार चलाने लगा। अमर की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर भुवनेश उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर ज़रूरत को फौरन पूरा कर देते। पारो डॉक्टर भुवनेश की इकलौती बेटी थी। वह बहुत सोख, चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से अमर को रिझाती, पर अमर मन से उसे अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर पारो ने उसको राखी भी बांधी थी। डॉक्टर भुवनेश ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा अमर को रहने के लिए दिया था। वह वहीं अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों से अमर महसूस कर रहा था कि पारो की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अमर की वासना भड़कने लगती थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से वह मन महसूस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है, डॉक्टर भुवनेश अमर से बोले, अमर पारो अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है, तुम सबको कार से ले जाओ, ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ ना हो। जी, अमर ने बस इतना ही कहा। अमर ने कार निकाली तो पारो कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी अमर ने पारो से पूछा। पारो बोली, होटल मयूरी।
क्या तुम होटल मयूरी में पिकनिक मनाओगी? तुम्हारी सहेलियां कहाँ रह गईं? अमर ने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी, मैंने पापा से झूठ बोला था, पारो हंसते हुए बोली। पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। अमर ने हैरानी से पारो की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब दोनों कमरे में आए तो पारो ने कहा, अमर कुछ नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता कर चुके थे तो पारो रुमाल से हाथ पोंछती हुई अमर के और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो आधी रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर पारो ने अमर को चूम लिया, फिर बोली, अमर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अमर गुस्से में बोला, पारो होश में आओ, एक भले घर की लड़की का इस तरह बहकना ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में चूर पारो अमर की बात को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी, क्या मेरे कपड़े नहीं उतारोगे? कहकर पारो ने अमर को अपनी बाहों में भींच लिया। अमर खुद पर काबू रखते हुए बोला, पारो इतना भी मत बहको, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने मुझे राखी भी बांधी थी और फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूं? तुम मेरे सगे भाई तो हो नहीं। कहकर पारो ने अपने ब्लाउज के बटन खोल दिए। अमर की हालत सांप छछूंदर की सी थी। वह पारो से छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, पारो तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर अमर ने पारो को कपड़े पहनकर आने को कहा और वह कार में जाकर बैठ गया। कहाँ खो गए अमर? तभी पारो ने अमर को टोका तो वह चौंक कर उसे देखने लगा। पारो मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, अमर गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज़ आई और पारो अपने कमरे की ओर भाग गई। अमर ने अब चैन की सांस ली। अगले दिन अमर का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर भुवनेश ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान ना होइएगा और ना ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा, आपका अमर। चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर भुवनेश हैरान रह गए। अमर का इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। पारो को जब यह बात मालूम हुई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी, लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कर दो यार, आपका ही चैनल है।